जी, आज है मैंगो पैनकेक बनाते हैं, वो भी विदाउट एग का, मतलब अंडा नहीं पड़ेगा। चलिए इन्हें छील के छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। लोग देख लीजिए, मैंने आम को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मैंने सीधे मिक्सी ग्राइंडर में डाला है, और यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी में चीनी डाल रही हूँ, और कुछ नहीं डालेंगे पानी, यानी कुछ नहीं डालेंगे, ना पानी ना दूध, इस समय कुछ नहीं, सिर्फ इन्हें हमको एक फाइन पेस्ट बनाना है। आप लोग देख लीजिए कितना स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है, ज़रूर कोशिश करें कि थोड़ा स्मूथ बने। और चलिए अब हम लोग दूसरे स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है, और यहाँ पे मैंने दूध लिया है जो हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, तो वैसा ही ले। और मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इन्हें एक अच्छा सा बैटर बनाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक संग दूध बिल्कुल ना डालें, जब भी कोई भी बैटर बनाए तो आप एक संग दूध बिल्कुल ना डालें। आप लोग देख लीजिए कितना गाढ़ा ये पेस्ट बन के तैयार है। पेस्ट मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कितना गाढ़ा बनना है, क्योंकि इसमें मैं आम का पल्प भी मिलाऊंगी तो फिर थोड़ा लिक्विड हो ही जाएगा, इसलिए पहले ऐसा ही रखें। चलिए इनमें हम लोग आम का पल्प मिला लेते हैं। मैंने सारे आम के पल्प मिला दिए हैं, और आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि मैंने चीनी पहले ही मिला दिया है, तो चीनी अपने स्वाद अनुसार डालें, एक पूरा आम ज़रूर डालें तो इसका स्वाद और भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें कोई इलायची पाउडर या कोई एसेंस कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो इसका मैंगो का जो असली फ्लेवर है वो दब जाए। वो दबाने के लिए मैं बिल्कुल भी कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं डालूँगी। इलायची डालने से भी आम का टेस्ट में थोड़ा फ़र्क तो आ ही जाता है, पर अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर डालें। और मैं कोई मेवा भी नहीं डालूंगी, मैं ऐसे सिंपल रेसिपी में हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर में जो है उससे आप बनाओ। चलिए इन्हें हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट में रखते हैं, और अगर उस समय तक अगर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा दूध मिला लेंगे। चलिए 15-20 मिनट बाद मिलते हैं। चलिए 15 मिनट बाद का मैं दिखा रही हूँ, 15 मिनट तो हुआ नहीं है, पर उसके पहले ही मैंने दिखाया आप लोग के संग। और अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा देख लीजिए, मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर मिलाऊंगी, थोड़ा सा ज़रूर मिलाए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर मिलाए। चलिए इन्हें हम लोग अब पैनकेक बनाते हैं। चलिए तवा को मैंने पहले बैठा दिया है, और मैं इसमें लगभग 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ, इन्हें फैला देते हैं। तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है, पर मैंने इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखा है, और इन्हें हम एक कलछी और थोड़ा सा और, आप लोग अपने हिसाब से इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे, और हीट का ध्यान रखें, फ्लेम का ध्यान रखें, और इन्हें हम ढक के कम से कम 2 मिनट के लिए ढकेंगे, और फिर मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए एक तरफ हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड और मिलाऊंगी। चलिए अब इन्हें अलग से पलट लेते हैं। चलिए पलट लेते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत पैनकेक बनके तैयार है, आप कभी इसी तरह बनेगा। चलिए दूसरे तरफ भी सीख जाए। चलिए दूसरे तरफ भी पलट लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा दोनों तरफ अच्छे से सिका है, ये मेरा कंप्लीट है, और बाकी कभी मैं इसी तरह बना लूँ उसके बाद आप लोग के लिए सर्व करते हैं। ये रहा आप लोग के लिए मैंगो पैनकेक, एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक कर दिया करें, और अगर
आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, काम का लगे तो शेयर भी करें। मैंने आम रस मैंने ये बनाया, ये भी मैं बहुत जल्द आप लोग के संग शेयर करूँगी। चलिए मैं फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ, आज के लिए बाय।